बलिया में क्रांतिकारियों ने बैरिया थाना पर 18 अगस्त 1942 को अंग्रेजों का जय उतार कर तिरंगा फहराने के दौरान 20 लोग शहीद हो गए थे, जिसके बाद हर साल यहां सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। परंपरा के मुताबिक सबसे पहले थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने शहीद स्मारक पर परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना किया, शहीद स्मारक पर चादर चढ़ाया, हवन करने के साथ ही पुष्प अर्पित किया, जिसके बाद जिले वासियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, बैरिया के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि मंटन वर्मा समेत तमाम राजनीतिक लोगों ने श्रद्धांजलि दी। संविधान दिवस हमारे लिए गौरवशाली दिन है। हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा लाइन खींच करके गए हैं जिस पर लाइन पर हम लोग याद करके अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। दुनिया में बहुत जगह बहुत लोग बलिदान किए, लेकिन सामूहिक रूप से समाज को जागृत करके और अंग्रेजी हुकूमत में थाने को लूट लेना और थाने से थानेदार को भगा देना, ये दुनिया का सबसे बड़ा साहसिक काम है। और ऐसे साहसिक काम करने वाले हमारे पुरखे आज हमारे लिए गौरवशाली एक इतिहास और गाथा छोड़ गए हैं, जिस गाथा को याद करते हैं हम लोग हर साल उत्सव के रूप में मनाते हैं। मैं तो उत्सव के रूप में मनाता हूँ और सैकड़ों लोगों के साथ जाता हूँ अपने और उत्सव मनाता हूँ। इस अवसर पर शहीद स्मारक बैरिया के बगल में स्थित बाबा लक्ष्मण दास द्वारा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बैरिया परिसर में डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश सिंह द्वारा रक्तदान का शिविर लगाया गया, जिसमें कई लोगों ने रक्तदान किया। हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि हमारे पूर्वजों ने मिलजुल करके इस देश की स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और देश को स्वतंत्र कराया और पूरे देश में 42 में ही बलिया स्वतंत्र हो गया। 18 अगस्त को यहाँ पे जो शहीद हुए उनकी याद में हम लोग बलिया बलिदान दिवस मनाते हैं। इसमें हर साल राजनीतिक कार्यक्रम होते थे, सामाजिक कार्यक्रम होते थे, उसी कड़ी में हम लोगों ने इस क्षेत्र में अभी तक कोई रक्तदान शिविर आयोजित नहीं हुआ था। उस रक्तदान शिविर आयोजित नहीं होने से इस क्षेत्र में जागरूकता कम थी। हम लोगों ने पहली बार रक्तदान शिविर ऑर्गेनाइज करके इस क्षेत्र के लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया। इसका लक्ष्य है कि लोग अधिक से अधिक इसमें सहभागी बने और जो एक प्रकार की भ्रांति मन में है उससे मन से निकले और हमारे ज़रूरतमंद लोगों को, बीमार लोगों को समय पर रक्त उपलब्ध। आपको बता दें कि 18 अगस्त 1942 को लगभग 25,000 क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बैरिया थाना पर हमला बोल दिया था। इस दौरान थाने पर तैनात ब्रिटिश पुलिस ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगी। उस समय मौजूद भीड़ ढेला पत्थर चलाने लगे और बैरिया थाने पर अपना तिरंगा लहराया, जिसमें 20 लोग शहीद हो गए थे, जिसके बाद 18 अगस्त 1952 को बलिदानियों की स्मृति को जिंदा रखने के लिए स्मारक बनाया गया और हर साल 18 अगस्त को यहां बड़ा उत्सव मनाया जाता है। यूपी साठ न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।